वार्ता बुलाया क्या कहना चाहते हैं जी? आज की प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई थी कि शहर में जो हमारे डेंगू, चिकनगुनिया, संचारी रोग, अन्य जैसी बीमारियां होती हैं, जनरली बाढ़ के बाद इनका प्रेवलेंस बढ़ता है, इसमें नगर निगम के क्या एफर्ट्स हैं, लोगों के क्या सुझाव हैं और अब तक हमारी प्रयास क्या क्या रहे, इसके बारे में बताने के लिए किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेजर कारण ये भी था कि हम लोगों में एक अवेयरनेस भी फैलाना चाहते हैं किन किन कारणों से डेंगू और अन्य संचारी रोग होते हैं। जैसे कि जनता में काफ़ी एक भ्रांतियाँ भी हैं कि साहब डेंगू का मच्छर गंदे पानी में पनपता है, जो कि तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है। डेंगू का मच्छर अक्सर हमारे साफ पानी में पनपने वाला मच्छर होता है और ये बाकी के मच्छर जो रात को काटते हैं उनके विपरीत ये प्रातःकाल जो हमारा होता है उसमें और शाम के समय में इस समय काटता है। इसमें जो वल्नरेबल ग्रुप्स जो हमारे होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं जो इस टाइम पे जाते हैं, जो हमारे बूढ़े सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो शाम को पार्क्स में जाते हैं, उनका वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है। जो इसीलिए हम लोग ये भी चाहते हैं कि लोगों में एक जागरूकता फैले कि जब भी शाम को निकलते हैं तो आप लोग फुल बाजू वाले शर्ट्स पैंट पहने और अपने घरों में किसी भी, हमें सजग रहना है कि किसी भी बर्तन, टायर या किसी भी प्रकार से गमलों में पानी रुका ना रहे, उसको तत्काल खारिज कर ले। इसके अतिरिक्त शहर में बहुत सारे खाली प्लॉट्स हैं जिसपे प्रायः शिकायतें प्राप्त होती हैं कि इन प्लॉटों पे आसपास के लोगों द्वारा कूड़ा फेंक दिया जाता है और वहाँ पे जल जमाव की भी स्थिति उत्पन्न रहती है। तो हम लोगों ने ऐसे प्लॉट्स को चिन्हित भी किया है, हम इनको नोटिस भी जारी करेंगे, परंतु हमारा अभी करंट जो चैलेंज है कि इनको तत्काल हम साफ़ सफाई करा करके, इनका जो जो भी जल रुका हुआ है उसको तत्काल जल निकासी करा करके इनकी प्रेवलेंस को घटा सकें। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक संगठनों का, हमारे विभिन्न पत्रकार बंधुओं का, सभी का सहयोग मिला है और लोगों तक हमारी बात पहुँच भी रही है। आगे जा करके हम घर घर तक अभियान चल सके, इसके लिए हम घर घर तक पोस्टर पैम्फलेट जो होते हैं ताकि उनको आसानी से चित्र रूप में भी पता चल जाए कि किन किन कारणों से डेंगू एवं अन्य संचारी रोग होते हैं और इनसे कैसे आसानी से बचा जा सके। प्लस इसमें हम ये भी घरों में घुस करके चेक करेंगे कि कहीं लोग कहीं किसी घर में कहीं पानी एकत्रित तो नहीं है, कहीं किसी लापरवाही के कारण वो हमारे आसपास के लोगों को भी हम रिस्क पे तो नहीं डाल रहे हैं। शेष अभी तक शहर में कुल 121 के करीब में केसेस आए हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस अच्छी है। जैसे ही कोई भी डेंगू का केस आता है हमारी सर्विलांस टीम उसको तत्काल पकड़ती है, तत्काल अटेंड करती है, उस एरिया में इंटेंसिव फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का कार्य हमारे द्वारा कराया जाता है। हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो हमारी फॉगिंग मशीन्स हैं, जो हमारे स्प्रिंकलर्स हैं, इसमें हम लोगों मानव संसाधन की संख्या 3 गुना करके 24/7 फॉगिंग और स्प्रिंकलिंग मोड पर जाएँ। हमने डेडिकेटेड कंट्रोल रूम का भी नंबर जारी किया है 1533, जिसपे कोई भी कॉल करके अपने यहाँ स्प्रिंकलिंग या फॉगिंग जो भी है या फिर साफ सफाई से शिकायत संबंधी है उसको उपलब्ध करा सकता है। लोगों में अच्छी प्रचार प्रसार हो इसलिए हमारे यहाँ पे जितने भी स्मार्ट सिटी के LED डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, PA सिस्टम्स हैं, उन पे भी निरंतर इसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। सर, ये बताइए कि जो नए इलाके शामिल किए गए हैं नगर निगम में, मसलन रामनगर नगर पालिका, तो ये पाया जाता है कि रामनगर क्षेत्र में बहुत ही गंदगी का अंबार है और जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं केवल किला से लेकर सड़कों तक ही साफ सफाई करके जो है तीसरी कर देते हैं, लेकिन जो अंदर के इलाके हैं आज भी वो कूड़े से बजबजा रहे हैं, नालियों में आज भी जल जमाव है, तो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रामनगर नगर पालिका हमारे 9 सम्मिलित क्षेत्रों में से आता है, पहले वो नगर पालिका का पार्ट था। वहाँ पे जो स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले पूर्व में एग्जिस्ट नहीं करता था, जैसे आपके सीवर सिस्टम होते हैं, ड्रेनेज थे, तो अब उनको बनाने का हमारा प्लान चल रहा है। हम एक समेकित DPR बनवा रहे हैं जिसमें टोपोग्राफिकल सर्वे करके यहाँ पे इन सारे संसाधनों को उपलब्ध कराया जाएगा। वहाँ पे कई सारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स भी है, मैंने स्वयं उसको विजिट किया है, तो हम उसको धीरे धीरे उसको सही करा रहे हैं। लोगों की संख्या भी हमने बढ़ाई थी, उसको एक डेडिकेटेड अलग एडमिनिस्ट्रेटिव जोन भी क्रिएट किया है जो आपका रामनगर में मुख्यालय में स्थित है, जो पूर्व में नगर पालिका स्थित थी उसी में कार्य कर रहा है। हम आगे जा करके मैन पावर भी बढ़ाएंगे और वहाँ पे जैसे जैसे वहाँ पे एक रोड का कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो रहा है उसको हम मैकेनाइज स्वीपिंग वगैरह पे भी लेकर के जाएंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल, ये अमूमन शहर में देखा जाता है कि ये सफाई कर्मचारी जो होते हैं सभासद के घरों के इर्द गिर्द ही विशेष सफाई करते हैं, अन्य मोहल्ले या गलियों में ध्यान नहीं देते हैं,
ऐसा देखने को मिलता है सर? नहीं, मुझे लगता है कि निगम हमेशा, हम चूँकि हम एक पब्लिक बॉडी हैं, हम कभी भी, हमारे लिए कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है या फिर कोई भी हम किसी के साथ पक्षपात हमारे लिए करना उचित नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि सभी जगहों पे सफाई हो जाए, इसके लिए रोस्टर की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। परंतु यदि कहीं पे सफाई अगर किसी कर्मचारी के लापरवाही के कारण या किसी क्षेत्रीय समस्या के कारण अगर नहीं हो पाता है, तो हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं जो इसको इंश्योर करते हैं। हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हम उसका टाइमली रिजोल्यूशन भी कराते हैं। जहाँ जहाँ पर लापरवाही हमें मिलती है, हम उन पर कार्रवाई वगैरह भी करते हैं। परंतु हमें इसी सिस्टम को एक अच्छे पॉजिटिव वे अप्रोच में लेकर के जाना है और हमें इस पर अच्छा करना है।